9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी। मधुमिता शुक्ला जो अपने वीर रस की कविताओं के लिए मशहूर हो रही थीं, सोफे पर बैठ के अपने होने वाले बच्चे की यादों में खोई हुई थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मधुमिता ने दरवाज़ा खोला तो दो जान पहचान के लोग दिखाई दिए। उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। नौकर से कहा कि जाओ जरा चाय बना लो। नौकर अभी चाय उबाल पाता कि अंदर गोलियां चलने लगी। जब लौट के भाग कर आया नौकर तो उसने देखा कि मधुमिता शुक्ला खून से लथपथ होकर नीचे पड़ी हुई। ये वो घटना है जिसने चार बार विधायक रहे और अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे नेता का करियर तबाह कर दिया। ये वो लव सेक्स और मर्डर का किस्सा है जो आज हम बाहुबलियों की कहानी में सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है अमर मणि त्रिपाठी की। 1970 का दशक, गोरखपुर में गैंगवार। ब्राह्मण गैंग का मसीहा हरशंकर तिवारी और ठाकुर गैंग का वीरेंद्र प्रताप शाही। कभी ठेका दिलाने पर लड़ाई होती तो कभी हथियारों की तस्करी पर। खून के प्यासे ब्राह्मण गैंग को एक नया लड़का मिला। नाम था अमर मणि त्रिपाठी। लेकिन वो गैंग के बजाय राजनीति पर ज्यादा ज्ञान देता था, इसलिए हरशंकर ने कहा कि चल तू भाई चुनाव ही लड़ ले। 1980 में हरशंकर के सबसे बड़े दुश्मन शाही के खिलाफ अमर मणि उतरे, हारे लेकिन हार नहीं माने। 1985 में फिर उतरे, फिर हारे, लेकिन अमर मणि का फलसफा साफ था, जो करेंगे विधायक ही जीत करके ही करेंगे। 1989 और आखिरकार अमर मणि त्रिपाठी विधायक बन ही गए, लेकिन उनका असली चेहरा तो अब सामने आने वाला था। साल 2001 बस्ती जिले के एक बड़े बिजनेसमैन के 15 साल के बेटे का किडनैपिंग हो गया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुलिस को जल्द बच्चा खोज निकालने का आदेश दिया। बच्चा मिला अमर मणि त्रिपाठी के बंगले पर। बीजेपी सरकार की इतनी बेइज्जती होने लगी कि उस वक्त के सीएम राजनाथ सिंह ने अमर मणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। राजनीति हो गई, किडनैपिंग हो गई, अब बारी थी इश्क की। सो इश्क भी हो गया। वो हुआ एक कविता के मंच पर। एक कवित्री थी, बड़े जोशो खरोस से कविता सुना रही थी। अमर मणि त्रिपाठी ने इतनी जोर से वाह कहा कि वो चेहरा उस कवित्री को याद रह गया। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला की, जिनके नाम से हमने ये कहानी शुरू की थी। 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती मधुमिता की हत्या हुई और आरोप लगा अमर मणि त्रिपाठी समेत चार और लोगों को। तब अमर मणि प्रदेश की बसपा सरकार में मंत्री थे। जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन कई गवाह पलटते जा रहे थे। मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, बोली कि वो जांच नहीं होने देगा, आप मामले को या तो तमिलनाडु या फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब आपके मामले की सुनवाई उत्तराखंड में होगी। अंत में उत्तराखंड की सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, क्योंकि उनके हाथ एक लेटर लग गया था। मधुमिता की मौत के बाद उनके कमरे से दिसंबर 2002 का लिखा हुआ एक लेटर मिला था। 4 महीने से मैं माँ बनने का सपना देखती रही हूँ। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती। क्या मैं महीनों से इसे अपनी कोख में रखकर हत्या कर दूँ? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाज़ा नहीं है? तुमने सिर्फ मुझे एक उपभोग की वस्तु समझा है। हत्या के बाद मधुमिता के कोख में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट किया गया। वो अमर मणि त्रिपाठी के डीएनए से मैच हो गया। उसी आधार पर उनकी सजा हुई और उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। हत्याओं में नाम आने के बावजूद महाराजगंज जिले की नौतनवा में त्रिपाठी परिवार का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। अमर मणि इस वक्त मधुमणि जेल में है, लेकिन बेटे अमन मणि चुनाव लड़ रहे हैं। बेटियां तनुश्री और अलंकिता क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं। बाहुबली सीरीज के 10वें एपिसोड के साथ हम ये सीरीज समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं गैंगस्टर सीरीज। इसमें एक से बढ़कर एक गैंगस्टर की कहानियां लिखी जानी शुरू हो चुकी हैं, कल से ही आपके सामने होंगी। अगर अब तक आपने दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।